Hello students, welcome to the class on economic survey. Now this is the class on fourth chapter of economic survey, volume number 1. Now this is a very important chapter for public administration optional students, for political science optional students, and for economics optional students. Now first of all, we need to understand what this chapter is all about. What is the basic thing that this chapter is dealing with, and then I will be divulging deep in this chapter. So pehle ye samjhenge is chapter ka basically ye chapter mein kis cheez ko deal kiya gaya hai. Now this chapter is about the comparative analysis between the different countries and how those countries collect the direct taxes. So this is the theme of the chapter, direct taxes collection. The theme hai ye कोर पूरे इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 का. सेकंड बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें डील किया गया है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्ट टैक्सेस एंड डेवलपमेंट. डेवलपमेंट और डायरेक्ट टैक्सेस का रिलेशनशिप डीकोड किया गया, क्या रिलेशन है. थर्डली अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज बीन एनालाइज्ड इन दिस चैप्टर इज अबाउट द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया and the direct taxes collection. Now fourthly, very important thing has been discussed. Ek naya insight diya hai chapter ne about the local governments and how much do they collect the direct taxes. Means tax collection. Tax collection by local government units, local governments, rural local governments and urban local governments. So dono ko deal kiya gaya hai. Fifthly, another important thing has been discussed. Panchvi ji bahut important kya discuss kiya hai, potential kitna hai local governments ka tax collect karne mein aur kitna wo us potential ko utilize kar pa rahe hain. To potential ka baat kiya hai. तो पांच चीजें हैं ब्रॉडली जो इकोनॉमिक सर्वे ने चैप्टर नंबर 4 में डील की गई हैं. सो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्ट टैक्सेस एंड डेवलपमेंट. नाउ दिस चैप्टर हैज डेल्ट इन डेप्थ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन. नाउ अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, द कंट्रीज विच एक्चुअली कलेक्ट मोर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जहां से डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट किए जाते हैं, उन देशों का जो सिटीजन है, जो सिटीजनरी है उन देशों का, वो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अकाउंटेबल बनाता है. बिकॉज दे फील, बिकॉज वेन एवर यू आर पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस, यू फील दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग अवे अ शेयर ऑफ योर डिस्पोजेबल इनकम विच यू कुड हैव यूज्ड इन ऑर्डर टू बाय समथिंग. एंड यू एक्चुअली वॉन्ट कि जो आपसे पैसा लिया गया डायरेक्ट टैक्सेस लेके, इन लियू ऑफ दैट द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड यू विद अ बेटर हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज और एनी सर्विसेज दैट द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग. तो वहां पे जो डेवलपमेंट है, जहां पे ज्यादा डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट होगा, वहां पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है. जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगा, जवाब बढ़ जाएगा, उन देशों का प्रशासन भी बेटर हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी बेटर हो जाएगा. जब एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो जाएगा तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली यील्ड होना शुरू हो जाएगा. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज बीन एनालाइज. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज दैट द क्रॉस कंपैरिजन बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड इंडिया. नाउ व्हेन इट कम्स टू द यूरोपियन कंट्रीज, अभी दो तरह के टैक्सेस कलेक्ट होते हैं बेसिकली. एक तो डायरेक्ट टैक्सेस है, लाइक लैंड टैक्स है, हाउस टैक्स है, वेल्थ टैक्स है और इनकम टैक्स है. ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं, आपके ऊपर लगते हैं. आपके पास ज्यादा हाउस है, ज्यादा हाउस टैक्स लगेगा. आपके पास लैंड ज्यादा है, ज्यादा लैंड टैक्स लगेगा. आपके पास ज्यादा इनकम है, ज्यादा टैक्स लगेगा. आपके पास वेल्थ ज्यादा है, ज्यादा लगेगा. ये डायरेक्ट है. इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपने कुरकुरे का पैकेट खाया कि नहीं खाया, अगर खाया तो आपको टैक्स लग जाएगा, अगर नहीं खाया तो नहीं. तो आप इवेड कर सकते हो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं.
But as far as direct taxes are concerned, you cannot evade those direct taxes. और जहां पे ज्यादा direct taxes pay करते हैं लोग, वो aware भी बहुत रहते हैं कि सरकार क्या कर रही है. Now in comparison to the developed world, जहां पे more than 70% of the taxes is that are being collected, they are actually direct. But in comparison, हिंदुस्तान जैसे देश में, developing countries में, हम कितना टैक्स कलेक्ट कर पा रहे हैं डायरेक्ट इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्ट, जस्ट 30%. तो टोटल 70% हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है. अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हमारे पास जितना इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो नेचर होता है, इट इज एक्चुअली रिग्रेसिव. जो डायरेक्ट का नेचर ऑफ टैक्स है वो प्रोग्रेसिव है. और रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है, मीन्स गरीब लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स बख्श देता है और अमीर लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगता है डायरेक्ट का. बट इनडायरेक्ट गरीब को से भी उतना ही टैक्स ले रहा है, जो अमीर लोग हैं उनसे भी उतना ही टैक्स ले रहा है. कुरकुरे का पैकेट धीरूभाई अंबानी ने खाया वो भी उतना ही टैक्स पे करेगा, मैंने खाया मैं भी उतना ही टैक्स पे करूंगा. मीन्स गरीब लोग के ऊपर भी उतना ही टैक्स लग रहा है इनडायरेक्ट. बट हमारे हिंदुस्तान में 70% जो टैक्स कलेक्शन है, इट इज एक्चुअली इनडायरेक्ट सिर्फ 30% के करीब. इट इज एक्चुअली 33% दैट द फिगर हैज बीन गिवन इन द इकोनॉमिक सर्वे. 30 से अबव हमारा बस आसपास हमारा डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि अभी तक हमने जीएसटी के ऊपर वर्क किया है, हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर वर्क किया है. बट हमें वर्क ज्यादा किस डोमेन के ऊपर करना चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर वर्क करना चाहिए. सो प्रेजेंटली वी नीड लॉट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस रिफॉर्म्स. वहां से हम एक प्रोग्रेसिव वे ऑफ टैक्सेशन हिंदुस्तान में एस्टेब्लिश कर पाएंगे. अगर हम सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो प्रोग्रेसिव सिस्टम हिंदुस्तान में हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज बीन एनालाइज्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे इज अबाउट द फेडरल सिस्टम दैट इज एग्जिस्टिंग इन इंडिया एंड द टैक्स कलेक्शन. अभी हमारे पास फेडरल सिस्टम में बेसिकली तीन यूनिट्स हैं हमारे पास. हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे पास लोकल गवर्नमेंट्स हैं. लोकल गवर्नमेंट्स में दो तरह का गवर्नमेंट है हमारे पास. एक तो हमारे पास अर्बन है और एक हमारे पास रूरल है. सो वी हैव द अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड द रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ जितना भी मैक्सिमम डायरेक्ट टैक्सेशन कलेक्शन होता है डायरेक्ट टैक्सेस से, वो ज्यादातर हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है. तो स्टेट्स गवर्नमेंट जो है हमारे पास यहाँ पे, उनका जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत कम. अगर स्टेट का अगर हम टैक्स कलेक्शन के शेयर में देखें, टोटल शेयर कितना है, इट इज जस्ट 6%. तो डायरेक्ट टैक्सेस में स्टेट्स का बहुत बड़ा शेयर नहीं है. तो आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर दैट द स्टेट्स आर डूइंग, तो उनको जितना कमाई हो रहा है वो 6% डायरेक्ट टैक्सेस से उसको फ्यूल कर रहे हैं. तो मैक्सिमम ऑफ द कलेक्शन दैट द स्टेट्स आर डूइंग दैट इज एक्चुअली इनडायरेक्ट. तो इनडायरेक्ट है, ज्यादा डायरेक्ट नहीं है स्टेट का. पर अब अगर हम इसी चीज का कंपैरिजन और देशों के साथ करें, लाइक कंट्रीज लाइक जर्मनी, अगर जर्मनी का केस ले लें हम और हम ब्राजील का केस ले लें, तो ये केस बिल्कुल काफी अलग हो जाता है. तो अगर ब्राजील का अगर हम देखते हैं, ब्राजील के केस में लगभग 16-19% आपका डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन है स्टेट्स का. एंड जर्मनी में ये शेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इट इज इन द रेंज ऑफ 40%. तो स्टेट्स वहां पे 40% डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन बहुत कम है. ज्यादातर जो हमारे स्टेट्स हैं अपने रिसोर्सेज पैदा नहीं करते हैं, लैंड के ऊपर टैक्स नहीं लगाते हैं, हाउस के ऊपर टैक्स नहीं लगाते हैं, वेल्थ के ऊपर टैक्स नहीं लगाते हैं, प्रोफेशन के ऊपर टैक्स नहीं लगाते हैं. ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं जो हम लगा सकते हैं. अगर दूसरे जगह पे देखें, दूसरे देशों में देखें, डेवलप्ड कंट्रीज में देखें, तो उनके जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन ज्यादा है. जब आपका डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन ज्यादा होगा, आप ज्यादा डेवलपमेंट कर पाओगे, क्योंकि सिटीजन का स्टेक बढ़ जाता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाता है. इसके साथ ही कनेक्टिविटी के साथ हमें यह समझना है. और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया गया है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू लोकल गवर्नमेंट्स. नाउ हिंदुस्तान में जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, अगर रूरल गवर्नमेंट्स का बात किया जाए, जैसे पंचायत्स हैं, पंचायत्स 95%
जो है वो डिपेंडेंट है डेवोल्यूशन के ऊपर. ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डेवोल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट है. ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवोल्यूशन? डेवोल्यूशन का मतलब ये है कि जितना पैसा स्टेट के पास है या सेंटर के पास पैसा है, वो पंचायत को पैसा दे रहे हैं डेवलपमेंट करने के लिए. सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना बहुत सारा स्कीम्स चला रखा है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए रूरल गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है. उनकी खुद की डेवलपमेंट नहीं हो रहा, खुद वो टैक्सेस नहीं कलेक्ट कर पा रहे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहता है? आप खुद टैक्सेस कलेक्ट कीजिए, आप खुद उसके यूटिलाइज कीजिए डेवलपमेंट कीजिए के लिए, तभी आप लोकल डिमांड को भी मीट कर पाएंगे. ऊपर वाला जब पैसा देता है, सेंटर से पैसा आ रहा है, तो सेंटर यह भी बताता है कि इस डोमेन में उसको इंप्लीमेंट करना है पैसे को. तो जो पंचायत चाहती है जहां पे पैसा लगना चाहिए वहां पे पैसा नहीं लग पाता, क्योंकि सेंटर लेवल से जब पैसा आएगा, ऊपर से पैसा आएगा, ऊपर जो बैठा है उसको नीचे वाली ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है. जब ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, ऊपर वाला जब पैसा भेजेगा, ही विल बी सेंडिंग द मनी एंड ही विल बी सेंडिंग एज पर हिज ओन wishes and desires. He will not be taking into consideration the wishes and desires of the local level. So this is a very important reason why the panchayats, they have not been able to develop themselves, why they have not been able to meet the requirements of the people living in the panchayats. So usko kyun nahi meet kar paaye hain? Kyunki devolution rate bahut zyada hai. Agar devolution rate agar hum urban areas mein dekhenge तो 56% है. इसका क्या मतलब है? 44% जो कलेक्शन है वो डायरेक्ट टैक्सेस से ही कर लेता है अर्बन एरिया, अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, क्योंकि उनका टैक्स कलेक्शन ज्यादा है, खुद वो रिसोर्स जनरेट कर पा रहे हैं. यहां पे तो सिर्फ 4% है डायरेक्ट टैक्सेस और टोटल रिसोर्स जनरेशन सिर्फ रूरल का 6% है. यहां पे 44% रिसोर्स खुद जनरेट कर रहा है और इसमें काफी शेयर आपका डायरेक्ट टैक्सेस का, इनडायरेक्ट टैक्सेस का अर्बन एरिया में नहीं है. एंड बिकॉज अर्बन एरियाज अपना रिसोर्स जनरेट कर रहा है, वो भी डायरेक्ट कर रहा है, तो अगर आप सर्विसेज देखो जो अर्बन एरियाज में प्रोवाइड की जा रही हैं इन कंपैरिजन टू द रूरल एरियाज, तो अर्बन एरियाज में फार बेटर सर्विसेज आपको देखने को मिलेगा. अर्बन एरियाज में सैनिटेशन भी प्रॉपर रहेगा, फिर आपका हाउसिंग फैसिलिटी भी प्रॉपर रहेगा, फिर ड्रिंकिंग वाटर भी प्रॉपर रहेगा, फिर पार्किंग स्पेसेस भी प्रॉपर रहेगा, पार्क्स बहुत अच्छे से मेंटेन रहेंगे, हेल्थ फैसिलिटी भी अर्बन एरिया में बेटर रहेगा रूरल एरिया से, क्योंकि रूरल एरिया के पास अपना पैसा नहीं है, क्योंकि रूरल एरिया को हमने पावर नहीं दिया. हमने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पंचायत को और अर्बन लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स को पावर देने के लिए बोला, बट हमने उनको रियल पावर नहीं दिया. मीन्स डेलीगेशन नहीं किया हमने पावर का, टैक्सेशन पावर्स का. नाउ व्हेन इट कम्स टू द टैक्सेशन पावर, तो बहुत ज्यादा पावर नहीं है हमारे पंचायती गवर्नमेंटल सिस्टम्स के पास और अर्बन गवर्नमेंटल सिस्टम्स के पास. सो दे डोंट हैव द रिक्विजिट पावर. बट देयर इज अनदर एनालिसिस दैट वी नीड टू डू. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी पावर नहीं, जितना भी पावर है टैक्सेस लगाने का. Now, this is a very important thing that has been discussed in the economic survey. It means tax potential. Now, this is a very important thing. Tax potential and tax realization. Tax potential and tax realization. Now, isko understand karne ke liye economic survey mein do cheezon ka discuss kiya gaya. One is about the land tax and the other is about the house tax. Ye do powers hain basically. जो पंचायत यूटिलाइज कर सकती हैं टैक्स लगाने के लिए, बट पंचायत ना तो जनरली लैंड टैक्स लगाती है बहुत ज्यादा और ना ही रूरल टैक्स लगाती है. और जो पोटेंशियल है टैक्स कलेक्शन का, टैक्स रियलाइजेशन का, वो कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो पाता. तो जितना पावर है उस पावर से जितना पैसा इकट्ठा करना चाहिए पंचायत को और हमारे अर्बन एरिया की गवर्नमेंट्स को, वो उतना इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं रहता है. क्योंकि पंचायत को लगता है कि ज्यादा बर्डन डालेंगे तो इन दैट केस तो जो पॉलिटिशियन वहां से इलेक्ट होके आ रहा है उसका नेक्स्ट बार वो इलेक्ट नहीं हो पाएगा. तो जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोगों का होना चाहिए,
वो एक्चुअली नहीं हो पाता क्योंकि जितना पोटेंशियल है उसको ही रियलाइज नहीं कर पाते हैं. नाउ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि लैंड एंड हाउस जो टैक्स कलेक्शन है, लैंड टैक्स कलेक्शन तो बहुत कम है, हाउस टैक्स कलेक्शन फिर भी ज्यादा है. पोटेंशियल और रियलाइजेशन आसपास लगता है, बट इसमें एक बहुत बड़ा लेकुना क्या है कि रूरल जितने भी हमारे एरियाज हैं रूरल में, वहां पे जो गांव है उन गांवों का जो कमर्शियल स्पेस है, कमर्शियल स्पेसेस से जितना टैक्स लेना चाहिए उतना नहीं लेते, क्योंकि ये रूरल एरियाज में डिफाइन ही नहीं किया गया कि कमर्शियल स्पेसेस कौन से हैं रूरल एरियाज में. क्योंकि कमर्शियल स्पेसेस डिफाइंड नहीं है तो टैक्स कलेक्शन कम है, सबको ही हम हाउस मान के चलते हैं. तो उसी की वजह से हमें लगता है कि जो रियलाइजेशन हो रहा है वो रिलेटिवली ज्यादा है, बट अक्रॉस द इंडिया द पिक्चर इज नॉट सेम. अगर सदरन स्टेट्स देखा जाए, कर्नाटका देखा जाए, केरला देखा जाए, वहां पे टैक्स रियलाइजेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में जो हाउस टैक्स का कलेक्शन है दैट इज ऑलमोस्ट 0%, उसके आसपास है 0% के आसपास. तो बिल्कुल भी हाउस टैक्स का कलेक्शन नहीं हो पा रहा. सो दिस चैप्टर वॉज ऑल अबाउट द डायरेक्ट टैक्सेस, कि ज्यादा डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करना चाहिए, डेवलपमेंट ज्यादा होगा, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होगा प्रशासन का. एंड सेकेंडली ये चीज देखी गई कि वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा डेवलपमेंट है, ज्यादा डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन है. एंड देन हम अपनी स्टेट्स को एम्पावर करें, हम लोकल गवर्नमेंटल यूनिट्स को ज्यादा एम्पावर करें कि वो भी ज्यादा अपने रिसोर्सेज जनरेट करेंगे. ज्यादा रिसोर्सेज जनरेट करेंगे, ज्यादा बेटर गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करा पाएंगे वो हमें. सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर. नाउ वी हैव ऑल्सो डिजाइंड द समरी नोट्स फॉर दिस एंटायर इकोनॉमिक सर्वे. यू कैन डाउनलोड दोज इकोनॉमिक सर्वे booklets from our application that is IAS Buzz that is available there. Plus if you have any sort of query about these economic survey classes, you can directly contact me at 84594000. Now this series is very very important for mains. This is very very important for the candidates who will be appearing for the interview this year. So this was all for the day. Bye bye, take care, have a nice day.